तो हम चाहते हैं कि सिर्फ कंपनियों को बाहर किया जाए, इसके लिए हमारा सरकार से आग्रह रहेगा। और हमारा परिवार दिवाली में कोई अच्छी खबर सुने और हमारा वनवास भी खत्म हो उसके पास है। परंतु दुख की बात यह है कि सिर्फ कंपनियां एक ही कार्य कर रही हैं, जो कि सैलरी देने का, और बाकी कार्य सारा हमारे व्यावसायिक शिक्षकों पे है। हमें खुशी भी है और गर्व भी है कि हमारे व्यावसायिक शिक्षक स्कूल लेवल पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये जो वोकेशनल एजुकेशन है इसको काफ़ी आगे लेके गए हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार एक ऐसा कार्य करे कि हमें किसी हरियाणा मॉडल का या हरियाणा की तर्ज पे पॉलिसी की बात ना करनी पड़े, कि हिमाचल सरकार इतनी सक्षम है कि ऐसा उदाहरण पेश करे कि पूरा भारतवर्ष उस व्यावसायिक शिक्षा के जो यहाँ पर किया जाए उसका उदाहरण दे, ना कि किसी अन्य स्टेट का दे। और मैं चाहता हूँ कि इतनी सक्षम हमारी सरकार भी है और डिपार्टमेंट भी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में व्यावसायिक शिक्षा को आगे लाने का प्रयास किया जाए। अब जो हिमाचल ने कई आयाम स्थापित किए हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में पहला राज्य बना था हिमाचल न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने वाला, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह है कि वोकेशनल शिक्षा को अहम दर्जा दिया गया और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब व्यावसायिक शिक्षा को इतना आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, परंतु जो व्यावसायिक शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं या व्यावसायिक शिक्षक हैं उनके साथ ये जो शोषण की घटना कंपनियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि भारतवर्ष गुलाम भी तब हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो मैं चाहूँगा जो गुलामी पहले 200 साल हमें झेलनी पड़ी अंग्रेजों की, तो हमें तो 11 साल हो गए। अब हम चाहते हैं जो वनवास पांडवों ने भी 12 साल झेला था, तो हमारा भी 12वां साल चल रहा है। और इस दिवाली को हम चाहते हैं, इस दिवाली को हमारे परिवार के लिए खुशी की खबर आए और सरकार इसके लिए कोई ना कोई अहम कदम उठाए। अच्छी कंपनियों में जा रहे हैं, परंतु अब बात आती है कि व्यावसायिक शिक्षकों का भविष्य निर्धारण करना सरकार के हाथ में, विभाग के हाथ में है। विभाग बहुत अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है, उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर हम कार्य कर रहे हैं, डायरेक्टरेट हमारा सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ कंपनियों को बाहर किया जाए, इसके लिए हमारा सरकार से आग्रह रहेगा। और हमारा परिवार दिवाली में कोई अच्छी खबर सुने और हमारा वनवास भी खत्म हो। विभाग बहुत अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है, उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर हम कार्य कर रहे हैं, डायरेक्टरेट हमारा सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ कंपनियों को बाहर किया जाए, इसके लिए हमारा सरकार से आग्रह रहेगा। और हमारा परिवार दिवाली में कोई अच्छी खबर सुने और हमारा वनवास भी खत्म हो। 2 साल का समय जो है होने जा रहा है, सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि आउटसोर्स में जब लोग कार्यरत होते हैं, लोग कार्य करना शुरू करते हैं, तो एक समय के बाद जो है उनमें थोड़ा सा वो अपने कार्य के प्रति गंभीरता जो है वो खोते जाते हैं, क्योंकि वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अभी हमारे प्रधान अश्विनी चौटालिया जी ने बताया कि हमारी सैलरी जो है मात्र 17,268 रुपये जो है वो इनहैंड है। उसके बाद सिक्योरिटी जैसे ट्रेड में जहाँ पे लोग एक्स आर्मी हैं, उन लोगों को जो है वो 5,000 रुपये वेतन देने की बात कही जा रही है कि हम आपको किस्तों में वेतन देते हैं। पहले ही सैलरी जो है नाम मात्र है, उसके बावजूद कि आपको हम किस्तों में सैलरी देंगे, इस तरह का बेहुदा मजाक इन कंपनियों द्वारा जो है वो हर माह किया जाता है। हर माह हमारी न्यूज़ जो है आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हम देते हैं कि आज इस कंपनी की सैलरी नहीं आई है, आज ICSS की सैलरी नहीं आई है। ये दुखद है। हमारे जितने भी व्यावसायिक शिक्षक हैं वे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। हमारे प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षक डोडरा क्वार जैसी क्षेत्र में जो हार्ड कोर एरियाज हैं चिड़गांव में, वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, घरों से दूर हैं और पिछले 8, 9, 10 सालों से घरों से दूर हैं। ना हमारे पास कोई ट्रांसफर पॉलिसी है, ना ही कोई सुरक्षित भविष्य के लिए हमारे पास कोई रास्ता है। तो ये सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है कि इन व्यावसायिक शिक्षकों के बारे में सोचना अब सरकार के लिए भी आवश्यक है, ताकि ये लोग जो हैं अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित महसूस कर सकें।